गांव को दर्शाया गया है। यहाँ पे लाइक जैसे कि असेंबली पॉइंट्स हैं एंड छोटे छोटे घर हैं, आपको बहुत सी चीज़ें देखने मिलेगी। ऐसा लगता है कि रियल में है ये चीज़ें, लाइक इतनी खूबसूरती से उस मूर्त को सजाया गया है कि कोई दूर से कह भी नहीं सकता मतलब कि ये हैंडमेड स्टैचूज हैं। रियल लगता है, प्योर रियल लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, हम देखते जाएंगे यहाँ पे और आपको भी दिखाते जाएंगे। यहाँ कुएं से कुछ औरतें पानी निकाल रही हैं, कृषि का काम हो रहा है, खेतों का काम हो रहा है यहाँ पे। और चलो आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पानी कैसे लेते हैं सब दिखाया गया है। आज इसके बारे में कुछ बताओ, हाँ कुछ बताओ आप, सब जानेंगे ना। ये पहले पत्थर को ऐसा निकाला जाता था, उसको दिखाया गया है और तोड़ तोड़ कर लेकर जा रहे हैं। हाँ, वो ऐसे निकालते हैं और ये खेती हो रही है बैलों के साथ। ये बैलगाड़ी से फार्म करते थे, खेती करते थे। हाँ, और इस साइड भी आपको पूरे खेत खलियान में लाइक रियल है, रियल खेत में स्टैचूज बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छा है ना आदि। ये देखो, ये जो पहले के बच्चे खेलते थे वो ये बच्चे खेलते थे, इन लोग को बताया गया है। यहाँ पे पूरा स्टैचूज है। दराग लगा कर सेक रहे हैं हाथ पे। चलो यहाँ पर एक्सरसाइजिंग रेसलर की चालू है, तब सिक्स पैक तो देखो।
यहाँ पे लाइक आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ होता होगा, फैसले वगैरह कुछ भी जैसे टीवी में देखते हैं सीआईडी में उस तरीके का। तो ये कट्टा दिखाया आदि जी, ब्यूटीफुल रियल लग रहा है। यहाँ से ख़त्म हो गया आधा, अभी और आधा बाकी है। हाँ गाँव चावड़ी ग्राम पंचायत विलेज असेंबली हॉल। ये ब्लैक स्मिथ, इन लोगों का काम होता था कारीगरी कोयले से, पहले कैसे होता था उसको दर्शाया गया है। कोयले को पहले ऐसे ऐसे मारते थे, फिर गरम करके। ये कंचे खेल रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पे पॉटर्स का दिखाया गया है, जो कि सैंड से बना जाता है। कुंभारा छे घर, अच्छा यहाँ पे मछुआरों को दर्शाया गया है, मच्छी बेचा जा रहा है। यहाँ पर ये स्टोन का काम, चक्की वगैरह सब बनाया जा रहा है यहाँ पे। इसको ये रस्सी धागा बनाया जाता था ना पहले, उसको दर्शाया गया है। कॉपर के प्लेट्स बनाए जाते थे, कॉपर का सब चीजें बनाए जाते थे। ये कॉपर का हो गया तो फिर ये कॉटन बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये बास्केट मेकर है, यहाँ पर डमरू पूरा मंदिर का एक श्री शंकर जी का डमरू बाजे। शैन कम छुट्टी
अच्छा कुश्ती। यहाँ पर फिर से ग्राम पंचायत चालू है, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। एक छोटा सा घर है यहाँ पे, आपको काफी चीजें देखने मिलेगी। ये पहले के जमाने के घर होते थे जहाँ पे कवेली कवेली, यहाँ पे चूल्हा है एंड बच्चे का छोटा सा झूला झूला। एक छोटा सा घर है, घर का बैकयार्ड है जहाँ पे यहाँ पे स्टैचू इसमें दिलाया जा रहा है, बच्चे को दिलाने दिलाया जा रहा है। बहुत खूबसूरत स्टैचूज है। हाँ अच्छा नाइस। पहले के जमाने की लॉन्ड्री थी जहाँ पर कोयले से यूज किया जाता था, अभी आयन में मतलब लाइक इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, पहले कोयले से। यहाँ पे सिवैया बनाया है, यहाँ पे सिवैया बनाया जा रहा है पूरा नूडल्स। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग दिखाया गया है यहाँ पे। पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जो वो हाथ से बनाया हुआ है वो उसको क्या कहते हैं मेरे को याद में नहीं आ रहा, लेकिन उसको सूखने के लिए रखते, हाँ उपला बोलते हैं उसको, सूखने के लिए रखकर बाद में चूल्हे में डालकर आग लगाई जाती है। ओह आई सी, थैंक यू। यहाँ पे कुछ और देखने को मिला, कुछ अलग है, मतलब मुझे क्या है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। यहाँ पे रथ है और ढोल धमाका, मतलब एक म्यूज़िक के बारे में कुछ दिखाया गया है और टेंपल का रथ खींचने का भी दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं रथ को, देखते हैं। ये आई थिंक फ्यूचर बताता है ये वाला, हाँ ये फ्यूचर बताता है। ये पोपट के खाने से एक एक कैसे कार्ड बताते थे और फ्यूचर बताते थे, और ये माला बनाते थे, वो जो पहनते हैं ना साधु वो सब, वो वाली माला। ये पूरा वुडन का बनाया गया है, पूरा वुडन है और नीचे जो है ये स्टोन से बनाया गया है,
एक्चुअली रथ में ऐसे होता है मोस्टली द स्टोन के टायर्स होते हैं जिसको हज़ारों लोग श्रद्धा से खींचते हैं एंड इसको टेंपल से निकाल के आई थिंक राउंड मार के फिर टेंपल में रखा जाता है। ये मैंने कर्नाटक में बहुत सा देखा हुआ है काफ़ी पहले, बाकी कहीं मुझे देखने नहीं मिला, आज ही महाराष्ट्र में देखने को मिला मुझे। जलेबी का शौक है जलेबी बेबी। नहीं नहीं वो ऐसा बांध के रखते हैं, इससे ना नारियल का तेल निकाला जाता था। कोई सुनार का शॉप है, गोल्ड स्मिथ हाउस, नॉर्मल हाउस है। ये हाउस ऑफ वैद्या डॉक्टर का घर है। स्टिचिंग हाउस है, कुछ गोदड़ी वगैरह बनाते हैं वहाँ पे। ये छोटा हाउस है, अरे रियल में पप्पीज है यहाँ पे तो। अब यहाँ पे लैंडलॉर्ड का हाउस है ये पूरा, अब इसके अंदर जाएंगे लैंडलॉर्ड के हाउस में, चलिए दिखाते हैं। Thank you.
कि पुराने लैंडलॉर्ड का घर है जहाँ पे बैल बकरी वगैरह होते थे, खास करके बैल, खेती का काम होता था यहाँ पे। और इसकी जो कारीगरी, जो वुडन की कारीगरी, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल। यहाँ दही निकाला जा रहा है, बिलीव इस मटके से दही निकाला जाता है। और यहाँ पर आंटी जी रोटियां बना रही हैं और उनका बेटा बैठा खा रहा है। ये किचन है। काफी घूम लिया, काफी देख लिया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। मुझे क्या लगा ऐसे बाहरी होगा, क्योंकि इतना बढ़िया था ना कि आप होगे ना तो आप बाहरी नहीं होगे। एग्जैक्टली, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट, बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, काफी कुछ देखने को मिलेगा है ना, और काफी कुछ हम देख सकते हैं आगे जरूर और आना। इंट्रोडक्शन पर लिखी रहती है क्या क्या तब हुआ था। एग्जैक्टली तो चलो एनीवेज यहाँ पे हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं, काफी थक गए हैं हम और बच्चे सब, अभी हम जाएंगे घर पे, मिलते हैं कुछ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ब्लॉग यहीं पे खत्म, बाय बाय, कीप शेयरिंग, वॉच एंड लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।